हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं प्लाजो की स्टिचिंग बताऊंगी। इसकी कटिंग का वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूं, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी। तो ये वीडियो मैं स्टिचिंग का बना रही हूं और देखिए ये मियानी है, तो इसको कैसे अटैच करना है इसमें ये मैं आपको बताऊँगी। कटिंग का वीडियो आप देखेंगे तो आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका कटिंग कैसे करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें मियानी को ही अटैच करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। इस तरह से एक पार्ट को हम साइड में रखेंगे और एक पार्ट हम लेंगे और उसमें देखिए जो आसन वाला ये साइड है, आसन वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ नीचे के साइड हम इसमें मियानी को अटैच करेंगे। यहाँ से इसको हम ऐसे रखेंगे, ये कॉर्नर वाला जो है उसको हम ऊपर के साइड ले जाएंगे। इस तरह से रखते हुए यहाँ हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ मैं देखिए, मैं आपको अटैच करके मैं दिखा रही हूँ कैसे इसको अटैच करना है। देखिए यहाँ मैं नीचे से इसको एक साथ कपड़े को बराबर में मिलाते हुए मैं अटैच कर रही हूँ। इस तरह से अटैच करना है। राउंड में घुमाते हुए हल्के हाथों से कपड़े को बराबर में मिलाते जाना है, कपड़े को खींचना नहीं है और फिर इस तरह से अटैच कर लेना है। मियानी का जो कॉर्नर था जहाँ तक, वहाँ तक हमको इसमें सिलाई लगा लेना है। देखिए इस तरह से। अब एक साइड का हम दूसरे वाले पार्ट में हम अटैच करेंगे। ठीक है, एक पार्ट में हम एक साइड का अटैच कर दिए और दूसरे वाले पार्ट में हम दूसरे वाले साइड को अटैच करेंगे। तो इसको भी देखिए नीचे के साइड से मैं बराबर में कपड़े को मिलाते हुए मैं अटैच कर रही हूँ। ऐसे इस तरह से देखिए यहाँ मैं अटैच कर ली हूँ। यहाँ भी कॉर्नर तक ही सिलाई लगाना है। आप चाहे तो ये सिलाई ऊपर तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको सिर्फ मियानी अटैच करके मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से एक साइड से अटैच करते हुए हम ऊपर तक भी ले जा सकते हैं। देखिए वैसा मैं दूसरे वाले साइड में आपको बता रही हूँ। देखिए दूसरा वाला मियानी लेना है और उसको दूसरे वाले साइड अटैच करना है। ठीक है, तो इसको भी मैं नीचे से देखिए इस तरह से मैं अटैच कर रही हूँ, कपड़े को बराबर में मिलाते हुए। मियानी वाले कपड़े को भी नहीं खींचना है और प्लाजो वाले कपड़े को भी नहीं खींचना है। बिना खींचे हुए हल्के हाथों से कपड़े को बराबर में मिलाते हुए अटैच कर लेना है। अब देखिए, अब उसका जो दूसरा वाला साइड है उसको फिर इसमें दूसरे वाले साइड हमको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ मैं ऊपर से मैं सिलाई करते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। एक साइड का सिलाई ऊपर से पूरा आसन पकड़ते हुए पूरा सिलाई लगा लेना है और एक साइड सिर्फ मियानी के कॉर्नर तक सिलाई लगाना है। देखिए इस तरह से मियानी तो मैं उसमें पहले से ही अटैच कर दी थी। अब दोनों पार्ट को एक साथ ऐसे पकड़ते हुए दोनों साइड के कपड़े को और पूरे नीचे तक सिलाई लगा लेना है, जहाँ से मियानी ज्वाइंट किए हैं वहीं से। ठीक है, इस तरह से देखिए ये हो गया। एक साइड का मैं ऊपर का मैं ओपन रखी हूँ, उसको भी अटैच कर लेंगे बाद में। देखिए एक साइड का इसमें ऐसे हो गया, दूसरे वाले साइड का जो मैं ओपन रखी थी उसको भी ऊपर से सिलाई लगा के और जहाँ तक ये सिलाई है वहाँ तक हम मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और जहाँ से मैं मियानी को अटैच की थी वहाँ तक मैं सिलाई लगा ले रही हूँ इस तरह से। ठीक है, अब ये सिलाई लगाने के बाद देखिए ऊपर ऊपर हम लास्टिक डालने के लिए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए ऐसे हम इसको फोल्ड कर लेंगे। पहले हम हाफ इंच इतना कपड़ा फोल्ड करेंगे, फिर जो मैं निशान लगाई थी 2 इंच या 2.5 इंच उतना हमको फोल्ड कर लेना है जहाँ की लास्टिक को डालना है। तो वैसे फोल्ड करके और इस तरह से सिलाई लगा लेना है। ऐसे एकदम नीचे नीचे हम सिलाई लगाएंगे, जो फोल्ड किए हैं उस कपड़े के नीचे हमको सिलाई लगाना है। तो इसी तरह राउंड में कपड़े को घुमाते हुए पूरे कमर में सिलाई लगा लेना है।
ऐसे बराबर में कपड़े को फोल्ड करते हुए 2 इंच इतना चौड़ा हम कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे। हाफ इंच पहले फोल्ड कर लेंगे और 2 इंच हम बाद में फोल्ड करके और फिर पूरे कमर में सिलाई लगा लेना है। ये देखिए जो दूसरा वाला साइड जो था ज्वाइंट वाला, उसको भी ऐसे मैं फोल्ड कर ली हूँ दोनों साइड कपड़े को और फिर मैं सिलाई लगा रही हूँ। फिनिशिंग के साथ कपड़े को फोल्ड करना है, बीच में कहीं सिकुड़न ना आए कपड़े में। और लास्ट में हमको थोड़ा सा ओपन रखना है जहाँ से हम लास्टिक को अंदर के साइड हम डालेंगे। देखिए इतना दूर मैं ओपन रख रही हूँ, यहीं से मैं लास्टिक को अंदर डालूँगी। तो देखिए ये जो मैं लास्टिक ली हूँ इसकी लंबाई थोड़ी सी कम है। देखिए ये 20 इंच आ रहा है, हमको 24 इंच का लास्टिक लेना है। तो एक छोटा सा टुकड़ा है मेरे पास, उसको मैं ज्वाइंट कर ले रही हूँ इस तरह से। देखिए यहाँ सिलाई को एकदम पक्का सिलाई करना है, 8-10 सिलाई लगा लेंगे ताकि लास्टिक अलग अलग ना हो, इस तरह से देखिए। और फिर इसके बाद हम अब इसको हम अंदर के साइड डाल लेंगे। तो पिन की सहायता से देखिए जो मैं ओपन रखी थी वहाँ से मैं अंदर के साइड में लास्टिक को मैं डाल रही हूँ। अच्छे से बराबर को कपड़े को खींचते हुए लास्टिक के ऊपर हम कपड़े को खींचते जाएंगे और पूरे कमर में ऐसे घुमाते हुए सेफ्टी पिन को और लास्टिक को अंदर डाल लेना है। फिर जहाँ से मैं डाली थी वहाँ ओपन है, वहीं से हम लास्टिक को फिर निकालेंगे दूसरे वाले साइड से, इस तरह से। देखिए निकालने के बाद दोनों को एक साथ अटैच कर लेना है। यहाँ भी हम 8-10 सिलाई लगाएंगे, सिलाई पक्का कर लेंगे कि यहाँ का भी सिलाई खुले नहीं, इस तरह से देखिए। और जो ओपन था उसको अब हम सिलाई करके पैक कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से सिलाई कर लेना है, ये अब बंद हो गया है। अब हम कपड़े को बराबर में मिलाते हुए खींच लेंगे और लास्टिक के ऊपर अब हम एक सिलाई इस तरह से लगाएंगे। देखिए दोनों साइड से लास्टिक को खींचते हुए और फिर सिलाई लगाना है ऐसे। ये देखिए यहाँ मैं कमर में सिलाई लगा ली हूँ लास्टिक के ऊपर भी। अब नीचे मोहरी को फोल्ड करके सिलाई लगाना है। तो जितना निशान लगा था मोहरी के लिए 1.5 इंच उतना अंदर के साइड फोल्ड कर लेना है, उल्टा वाले साइड फोल्ड कर लेंगे और फिर मोहरी पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे। सेम वैसे ही दूसरे वाले पैर में भी हम मोहरी पर सिलाई लगाएंगे। एक बराबर कपड़ा फोल्ड करना है इस तरह से। अब ये सिलाई लगाने के बाद देखिए अब हम इसको ऐसे फोल्ड करके और यहाँ से सिलाई लगाना हम स्टार्ट करेंगे। एक साइड के पैर से ऐसे ऊपर के साइड हम ले जाएंगे आसन की तरफ, ठीक है। और यहाँ देखिए ऐसे मियानी के ऊपर से सिलाई लगाते हुए फिर दूसरे वाले पैर में हम अब नीचे की तरफ ले जाएंगे और नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए ये मैं पूरी सिलाई में लगा ली हूँ। अब मैं इसको सीधा कर ले रही हूँ, देखिए इसमें मियानी अटैच हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।